हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं आईफोन 14 स्मार्टफोन के बारे में। जिन लोगों का मन था बहुत ज़्यादा आईफोन 14 लेने का और उन्होंने ले लिया है, लेकिन जो लोग लेना चाहते हैं तो उनको इस फ़ोन में क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप एक वीडियोग्राफर हैं या फिर आप छोटे मोटे वीडियो कंटेंट हैं या फिर आप कोई भी वीडियोज़ बनाते हैं किसी भी टाइप की, तो ओवरऑल ये जो आईफोन 14 है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है और कुछ कंडीशन में अच्छा नहीं भी हो सकता है। आज इस वीडियो में इसी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करने वाले हैं, बताएंगे आपको कि कहां कहां पर इस आईफोन 14 को नहीं लेना चाहिए और किस जगह पर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आईफोन 14 की, तो यहाँ पर आईफोन 14 इस सेल में सबसे ज़्यादा बिका और आईफोन 13 को बहुत ही कम लोगों ने लिया है, क्योंकि उसकी भी प्राइसिंग इसी की प्राइसिंग के आसपास थी। आईफोन 14 आपको करीब 52,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। ये मेरे पास व्हाइट कलर का आईफोन 14 है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईफोन 14 के डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, इसके सभी कुछ UI वगैरह की। तो यहाँ पर डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा आएगा, बट अगर आप फुल डे मूवीज़ के लिए चाहते हैं या फिर मल्टीटास्किंग के लिए आपको बड़े फोन पसंद है तो आप आईफोन 14 प्लस में भी जा सकते हैं। आईफोन 14 एक 6.1 इंच का डिस्प्ले है, तो फोन थोड़ा छोटा सा है लेकिन हाथों में बहुत ही अच्छे से फिट होता है, बहुत ही परफेक्ट देखने में लगता है आईफोन 14 6.1 इंच वाला ये। और 14 प्लस की बात करते हैं तो 6.7 इंच का डिस्प्ले है, जो कि काफी बड़ा डिस्प्ले है, तो आप वहां पर मूवीज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे से ले पाएंगे दूर रख कर भी और एक बड़ी डिस्प्ले पर भी। अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा की, तो अगर आप एक वीडियोग्राफर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, ऐसा कुछ भी काम करते हैं, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन हो सकता है, क्योंकि यहां पर आप पोर्ट्रेट से लेकर सारी FPS पर, सारे स्लो मोशन पर सभी फीचर्स यूज कर सकते हैं। कैमरा के मामले में जो इस फोन की क्वालिटी है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है, क्योंकि हमने भी अपने कैमरे को रखा जब इससे वीडियो शूट की तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आया। तो अगर आप कैमरे के लिए लेना चाहते हैं, यानी आपका बहुत ज्यादा वर्क फोटोग्राफी का है, तो आप इस फोन को परचेस कर सकते हैं। बट मेजर डिफरेंस, मेजर जो प्रॉब्लम्स है यहां पर दो आपको आ सकती हैं। एक तो आपका बैटरी बैकअप कम हो जाएगा जब आप कैमरा को फुल डे अगर यूज करेंगे, और दूसरा आपका फोन गर्मियों में अगर आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा हीट भी पकड़ सकता है। अगर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर धूप है या फिर थोड़ा सा गर्मी है, तो ये हीट बहुत जल्दी हो जाएगा। आप आधे घंटे से ज़्यादा तो नॉर्मल कैमरा अगर वीडियो बना रहे तो लग जाता है, तो ये हीट भी हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है। और अगर आप कैमरा के जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो इसी फ़ोन में अगर एडिट करते हैं, यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर में नहीं ले जाते हैं, तो इसका जो प्रोसेसर है वो इतना अच्छा है कि आपके मूवीज़ या फिर आपके वीडियोज़ जो भी आपने वहाँ पर शूट किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, उनको बहुत ही अच्छे से एडिट करके दे देगा। और इसके जो सॉफ्टवेयर है, जैसे आप कट प्रो ऐप यूज कर सकते हैं, BN एडिटर है, फिर जो भी आप ऐप्स यहाँ पर यूज करते हैं एडिटिंग के लिए, बहुत ही स्मूथ रन होते हैं। तो एक्सपीरियंस का अगर हम बात करते हैं अपने परफॉर्मेंस का, तो नो आपको डाउट यहाँ पर लैग वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी कुछ बग्स आपको कभी देखने को मिल जाएंगे, बाकी यहाँ पर आपको नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी ऐप यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं करता है। चौथी यहाँ पर जो बात है इसके बैटरी की, तो देखिए अगर आप एक कैमरा के लिए परचेस कर रहे हैं, एडिटिंग भी इसी में कर रहे हैं या फिर गेमिंग कर रहे हैं, तो आप बैटरी बैकअप 4 से 5 घंटे ही मानिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, लाइक आप सुबह को उठे, आपने व्हाट्सअप ओपन किया, फेसबुक थोड़ा देर चलाया, इंस्टाग्राम थोड़ी देर चैटिंग की, थोड़ा कुछ फेसबुक पर देखा, तो आप इस तरीके से 6-7 घंटे का जो नॉर्मल यूसेज फ़ोन का, जिसका हैवी यूसेज जिसका है 6-7 घंटे का, वो आराम से आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्क के हिसाब से होता है। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या फिर आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं या फिर आप लोकेशन बहुत ज़्यादा शेयरिंग कर रहे हैं, हॉटस्पॉट बहुत ज़्यादा किसी को दे रहे हैं, तो बैटरी का बैकअप जल्दी ड्रेन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हैं कि बैटरी बैकअप आप एक दिन तक ही ले सकते हैं हर किसी कंडीशन में। लेकिन आप अगर नॉर्मली यूज़ करते हैं, लाइक आपने नेट खोला, काम किया, नेट बंद कर दिया, उसका फिर 2-3 घंटे नेट खोला, काम किया, बंद कर दिया, तो आप 2 दिन तक भी ले जा सकते हैं बैटरी बैकअप। बाकी इसका 20 वाट का चार्जर आपके फ़ोन के 1 घंटे के अंदर आपको स्मार्टफोन चार्ज करके दे देता है। चार्जिंग के टाइम थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है, जो कि हम अभी कॉन्स में बात करेंगे। तो ये जो चीज़ें काफ़ी ठीक है, लेकिन बात करते हैं इस फोन में मुझे क्या प्रॉब्लम लगी है। तो ओवरऑल फोन का जो हार्डवेयर है या फिर फोन का जो एक्सपीरियंस है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत मुझे लगती है इसके सॉफ्टवेयर में। अब आप पूछेंगे सॉफ्टवेयर में क्या दिक्कत है, जैसे अभी हमने आपको बताया था अगर आप रील्स के क्रिएटर हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप अगर यूट्यूबर हैं या फिर रील्स में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी कैसे हो सकती है वो भी आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अगर सॉफ्टवेयर में, तो आप इसका डाटा जो है बहुत ही ईजिली से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन दूसरा नहीं है, दूसरा आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ
एप्लीकेशन होते हैं जहां पर आप यहां से अपलोड करेंगे उधर डाउनलोड करेंगे, इस तरीके से होता है। यानी अगर आपके पास डाटा नहीं है, उस समय डाटा नहीं चल रहा है, तो डाटा आपका जो डेटा यानी कि जो वीडियोज हैं वो उधर मूव करने में दूसरे फोन में भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उसके फोन से आने में प्रॉब्लम हो सकती है। बट एक फायदा यहाँ पर यह भी है कि दूर बैठे बंदे को भी आप यहाँ से फाइल ले सकते हैं। एंड यहाँ पर दूसरी चीज मुझे ये लगी है, डाउनलोडिंग की यहाँ पर बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है कि आप इजीली से कोई भी चीज़ को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम यूट्यूब की कोई वीडियो उठाए या फिर हमने कोई ऐसा लाइक बटन उठाया या फिर ग्रीन सब्सक्राइब बटन उठाया, तो वो आपको दिक्कत दे सकता है। कभी कभी कुछ फाइल्स नहीं मिल रही हैं, आर डाउनलोड वगैरह इसमें ऐसे फीचर्स बताए हैं जो कि मुझे ओवरऑल ठीक नहीं लगे, और ऐसा कोई थर्ड पार्टी ऐप यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है जिसके जरिए आप यूट्यूब की वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकें। यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम एक ये भी है कि इसमें आपको रिकॉर्डिंग नहीं देखने को मिलती है। कॉल रिकॉर्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए और आपके लिए भी हो सकती है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरत है, आप करने के लिए आपको नहीं कर पाएंगे इसमें। अगर चार्जिंग पर मैंने आपको बताया कि आपको हीटिंग हो सकता है, अगर आप कूल टेम्परेचर में नहीं है फिर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हाई है तो इसमें आपको चार्जिंग के टाइम आपको हीट देखने को मिल जाएगा, तो उस वजह से ये चार्जिंग को छोड़ देता है। बाकी अगर हम फ़ोन की बात करते हैं, ओवरऑल कोई मुझे दिक्कत ऐसा नहीं महसूस हुआ है, लेकिन एक 70,000 रुपये वाला जो काम मुझे ये करके दे रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो 20,000-30,000 के रेंज में फ़ोन आएंगे, वीवो का ले लें जो बेस्ट कैमरा फ़ोन है, या फिर सैमसंग का ले लें, या फिर अगर पोको में जाते हैं, रियलमी में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो काम जो वहाँ पर मैं कर रहा हूँ वो यहाँ पर हो सकता है। बस स्टेटस पर्पस के लिए आप इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं जा रहे एकदम फ़ोन ओपन किया और ओपन करते ही फेस अनलॉक बहुत ही ज़बरदस्त से काम करता है और तुरंत एकदम कैमरा खोला खड़ा खड़ा करके फोटो खींच लिए, इस चीज़ में बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका जो UI है, जो इसका सॉफ्टवेयर है, UI बहुत ही मक्खन से चलता है और सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है कि जो प्रोसेसर उन्होंने दिए 15 बायोनिक चिप, इसको भी बहुत ही अच्छे से रन कराता है। तो ओवरऑल iPhone 14 की अगर बात करते हैं तो 50,000 से 55,000 रुपये की प्राइस में आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर बहुत ज़्यादा मन है iPhone 14 का, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। आई होप आज इस वीडियो में आपका एक डाउट क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमने आपको बताई, लाइक वीडियो डाउनलोड नहीं होती है, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो इन चीज़ों से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए एंड करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।